नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ दिशा। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। कुछ दिन पहले अमृतसर के वेरका इलाके में तीन लुटेरों ने एक घर में घुसकर डकैती की कोशिश की थी। हालांकि घर में मौजूद महिला ने बड़ी बहादुरी से तीनों लुटेरों का मुकाबला किया, जिसके चलते लुटेरों को बैरंग लौटना पड़ा। इसका एक सीसीटीवी फुटेज भी वायरल हो गया है। वहीं इस मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि आज ऑल इंडिया ह्यूमन राइट एंटी क्राइम विंग ने उस बहादुर महिला को उसके घर जाकर वीर चक्र और तस्वीर देकर सम्मानित किया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए अखिल भारतीय मानवाधिकार विरोधी विंग के नेता प्रीशन शास्त्री ने कहा कि वेरका इलाके में एक महिला ने तीन बदमाशों से बहादुरी से मुकाबला किया और आज हम उस महिला को हीरो के सम्मान से सम्मानित करने आए हैं। अमृतसर से हमारे संवाददाता नरेंद्र सेठी की रिपोर्ट। मनदीप कौर की वाकया होया सी, उदन लुट हुई सी, हुन थानू बहादुरी दा पुरस्कार अज मिलया है, की कहना चाहोगे? उस दिन मैं कपड़े कोठे तो लौन गई सी ते थले आके चेयर ते बैठी, देखिया भी बाहर तीन जने ने अंदर छलांग मारदी है। तो इतने जाली वाले दरवाजे जाकर पहुँच गए थे, जो मैं दूसरा दरवाजा बंद कर चुकी हूँ। तो बाद चो फिर उन्होंने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की थी, बाबा जी ने हाथ रखा, उन्होंने दरवाजे को खोलना नहीं दिता। सच्चे पातशाह ने सब कुछ वाहेगुरु ने किया। आज थानू बहादुरी का पुरस्कार मिलया, की कहना चाहोगे उन औरतों को, की मैसेज देना चाहोगे जो सारा दिन घर चले होंगे तो डरने माहौल से? डरना नहीं आ, बहादुरी नाल मतलब लड़ना चाहिए वा। थोड़ा भावें दे अंदर भी आ जाए कोई, तो फिर भी अपने आप को सेफ्टी करो अपनी, लड़ो जिन्ना हो सके। आप बच्चों की सेफ्टी करनी चाहिए अपने पहले। मेरा नाम जगजीत सिंह जी। पिछले दिन वारदात सामने आई सी, उस तो बाद तुहाडी पत्नी वालों बड़ा साहस नाल उसका मुकाबला किया गया, अज उन्होंने माहौल चलन दा वा, हर एक नू अपनी सुरक्षा करनी चाहिए आ। अज कल इन्ना माहौल खराब हो चुका है पंजाब दा, अमृतसर दा, कि हर एक जनानी या भैन कोई बाहर नहीं निकल सकती, फिर भी इन्हां चीज़ां तो डरदे आ। ये कि डरना नहीं चाहिए, चीज़ का सम डट के मुकाबला करना चाहिए वा चीज़ का, जिसे डर के तो समझ लो कि इन्होंने हैवी होना वा चीज़ का। हूँ वेखो वीडियो तुम वेख्या वा, बड़ी बहादुरी ना इन्होंने बूहा बंद किया, सो समझ के इन्होंने अपना बचा किया बच्चे का, तो अपनी की नाम घर का इन्होंने बचा किया वा। एक सारा सुनेहा हैगा वा कि डट के मुकाबला करो। अजक वेखो जी औरतों का जज्बा भी हैगा वा अपने अंदरों, जड़ा भी मालक की कृपा ना हैगा जज्बा। अजक झांसी राणी हो गई चीज़ की, झांसी राणी भी लड़ी डट के मुकाबला किया ही, ये भी एक बड़ा वड्डा सुनेहा दिता हुआ वा, तो इन्हों डट के मुकाबला करना चाहिए वा। मेरा नाम प्रिया सन शास्त्री है, ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एंटी क्राइम विंग, वाइस प्रेसिडेंट पंजाब। मेरे नाल मनजीत सिंह जी हैं, ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एंटी क्राइम विंग, वाइस
ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੰਜਾਬ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਘਰ 'ਚ ਤੀਨ ਬਦਮਾਸ਼ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਘਰ 'ਚ ਉਸ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਰ ਚੱਕਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਵੀਰਤਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਜੀਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਮਾਰੀ ਬਹਿਣ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਹੈ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇਣ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇਖਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ 4 ਤੋਂ 5 ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਆਰੋਪੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ? ਅਜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਲਣ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਨਸਾਫ ਦਿਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖਣ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਡਰਨ ਨਾ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਪੂਰੀ ਦਲੇਰੀ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੂਰਾ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਵਾਉਂਦਾ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾਵਾਂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੂਰਾ। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।